हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में आई हाल ही में जो वैकेंसीज रिलीज हुई है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड, उसके बारे में कुछ एक कोर पॉइंट्स, ताकि आप जब आप फॉर्म फिल करें तो आपके दिमाग में कोई डाउट ना रहे, आपको चीज़ें क्लियर हो, सारी तमाम बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए, जिस प्रकार आप कहिए, देखिए ये रेगुलर पोस्ट है आपकी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेनली जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, आपका जो बेसिकली सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, और आपके कोई और इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, देखिए हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ये वैकेंसी जो है आपकी रिलीज हुई है, ठीक है। तो जिसमें ये कहा गया है कि जो आपका एडवर्टीजमेंट नोटिस है, ठीक है, और आपकी जो क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और ओपनिंग डेट इसकी ऑलरेडी 5 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है और ये चलने वाली है 30 सितंबर तक, ठीक है, 30 सितंबर तक 12 बजे तक रात को। तो इसी इंटरवल में आपने, इसी दौरान आपने जो आपके जो एग्जाम है, आपने जो फॉर्म है वो फिल कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट डेट है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, अब देखिए ये जो डिपार्टमेंट है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो वैकेंसीज है वो रिलीज यहाँ पे हुई है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, ये सबसे पहले बात हुई है स्टेनोग्राफर की यहाँ पर। तो स्टेनोग्राफर क्लास 3 पोस्ट है आपकी और ये रेगुलर पोस्ट है, इसके लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 5 है, ठीक है, और सारे की सारी जो ये अनरिजर्व है, क्लियर कट है। और पे स्केल की अगर आप बात करें तो पे स्केल 38,500 से लेकर के 1,22,700 पर पे मैट्रिक्स के हिसाब से ये चीज दिया जाएगा। और अगर हम इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें होना चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए और साथ में 3 ईयर्स एक्सपीरियंस एज स्टेनोटाइपिस्ट और जजमेंट राइटर और अ स्टेनोग्राफर एनी गवर्नमेंट ऑफिस एंड रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए ये आपको 3 ईयर का जो है एक्सपीरियंस आपको चाहिए इनमें से तमाम जगहों में आपके पास चाहिए, ठीक है। और उसी के साथ अगर आप बात करें, कैंडिडेट मस्ट हैव अ हैविंग स्पीड ऑफ 100 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश स्टेनोग्राफी एंड एक्यूरेट ट्रांसक्रिप्शन इन द मैटर डिटेक्टेड टू पीरियड ऑफ 5 टाइम्स, मतलब कि जो टाइपिंग स्पीड है 100 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, ठीक है। और इसी के क्योंकि जब टाइपिंग का टेस्ट होगा ये सारी चीजें जो है वहां से क्लियर होगी। और ये सारा जो होगा हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ऑफिस एंड मेंबर ऑफ स्टाफ प्रमोशन कंडीशन रूल 2015 के अराउंड में सारी जो रिक्रूटमेंट है वो करवाई जाएगी। तो इसमें आपको ये चीज क्लियर होगी कि स्टेनोग्राफर का अगर आप चाह रहे हैं कि इसके लिए आप फॉर्म फिल करें तो आपका ग्रेजुएशन होनी चाहिए, एटलीस्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कहा है कि विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। और साथ ही जब आपका टाइपिंग टेस्ट हो तो वहाँ आपके 100 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश स्टेनोग्राफी में एक्यूरेट टाइपिंग आपकी आनी चाहिए। तो अगली अगर हम पोस्ट की बात करें, अगली ये ट्रांसलेटर की जो आई है, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है आपकी 2 है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपकी टोटल 2 पोस्टें हैं, ये अनरिजर्व है और ये क्लियर कट इन्होंने बताया। पे स्केल की बात करेंगे तो वही 38,500 से लेकर के 1,22,700 तक रहने वाला है। अगर आप ट्रांसलेटर के लिए बात करें तो इन्होंने कहा ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स इन इंग्लिश एंड हैव स्टडीड हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन लेवल। इनके क्या होने चाहिए, 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में होने चाहिए और हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन्होंने पढ़ा होना चाहिए, किसमें, अपने ग्रेजुएशन में। और वही रूल जो है इन्होंने इसमें RNP 2015 के रूल के अंदर ही ये जो आपकी भर्ती है ये रिक्रूटमेंट आपकी होनी है। अगली हम बात कर रहे हैं ट्रांसलेटर उर्दू, इसमें भी आपकी पोस्ट जो है वो 1 पोस्ट है, ठीक है, पे स्केल 11 है और जो आपकी 38,500 से लेकर के 1,22,700 तक आपकी जो इसमें रहने वाली है पे स्केल। अब बात करेंगे, इसमें इन्होंने कहा है कि ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स इन इंग्लिश एंड हैव स्टडीड हिंदी एज अ सब्जेक्ट, इंग्लिश भी इसमें होना चाहिए, ठीक है, इंग्लिश एंड हैव स्टडी हिंदी सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन लेवल, इसमें भी जो है ग्रेजुएशन में इन्होंने जो है हिंदी पढ़ी होनी जरूरी है, ठीक है। और ये रिक्रूटमेंट जो होगी RNP रूल 2015 के अनुसार होगी। अब देखिए नेक्स्ट जो आती है वो आती ट्रांसलेटर पंजाबी, इसमें टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो 5 पोस्ट है, पे स्केल इसमें 11 है और ये जो सेम ही इनका पे स्केल चल रहा है क्योंकि रेगुलर पोस्ट है तो यही इसमें पे स्केल रहेगा। और ग्रेजुएशन इसमें 50% मार्क्स इन इंग्लिश एंड हैव स्टडी हिंदी एज सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है, कैंड मस्ट हैव स्टडी इन पंजाबी इन मैट्रिकुलेशन। और ये होना चाहिए कि देखिए ग्रेजुएशन में बेशक आपने हिंदी पढ़ी हो
लेकिन आपको जरूरी है क्योंकि ये पंजाबी ट्रांसलेटर की बात हो, तो कम से कम मैट्रिक तक के, 10th तक के जो आपने स्टडी करी है वहां पे आपका जो है सब्जेक्ट वो पंजाबी होना जरूरी है, तभी आप जो है इस एग्जाम इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। आगे अगर हम देखें तो अगली जो है इन्होंने असिस्टेंट प्रोग्रामर की इन्होंने यहाँ पे बात करी है, तो असिस्टेंट प्रोग्रामर के लिए जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 5 पोस्ट है। तो और ये जो है आपकी इसमें टोटल 5 है और आपकी 5 अनरिजर्व है, ठीक है, 15 पोस्ट, सॉरी टोटल, सॉरी क्लर्क एंड प्रूफ रीडर, सॉरी थोड़ी स्लाइड मिस हो गई आई थिंक, ये असिस्टेंट प्रोग्रामर टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट है इसके लिए 1 है, और ये क्लियर कट ही जो पोस्ट है ये प्रॉपर ही आपकी एससी कैटेगरी के लिए आपकी ये प्रॉपर है, और पे स्केल की बात करें तो इसमें वही लगने वाला है। इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें क्योंकि प्रोग्रामर की बात हो रही है तो इसके लिए बी बीटेक इन कंप्यूटर और आईटी और इक्विवेलेंट टेक्निकल क्वालिफिकेशन एटलीस्ट द सेकंड डिवीजन, मतलब कि ये सारी डिग्री इनकी होनी चाहिए सेकंड डिवीजन में, अदरवाइज ये भी चल सकता है बीएससी बीए बीकॉम इन फर्स्ट डिवीजन द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। और अगर ये डिग्री है बीए है बीएससी है या फिर बीकॉम है इसमें फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए और इनका पोस्ट ग्रेजुएटेड डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आईटी 2 ईयर एक्सपीरियंस एज अ सिस्टम असिस्टेंट और असिस्टेंट प्रोग्रामर इन हायर रिक्वायरमेंट पोस्ट का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो ये चल सकता है कि आपकी मैट्रिक हो, 3 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक कॉलेज और इक्विवेलेंट टेक्निकल क्वालिफिकेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन, ठीक है। और ये जो आपकी रिक्रूटमेंट होनी है ये भी आपकी अराउंड आपकी इस रूल के रिगार्ड अनुसार ही आपकी होनी है। तो इसमें कुछ एक मेन चीजें हैं ये आप जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा एक बार फॉर्म भरने से पहले। तो देखिए अब नेक्स्ट जो हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लर्क एंड प्रूफ रीडर की जो वैकेंसी है। अब देखो क्लर्क में टोटल जो आपकी पोस्ट है वो 15 पोस्ट है, ठीक है, जिसमें से 4 अनरिजर्व्ड है और 1 क्लियर कट एंड 4 एंटीसिपेटेड, 3 एंटीसिपेटेड, 3 एससी, 3 एसटी, 3 ईडब्ल्यूएस और 2 पीएच। और बात करेंगे इसमें जो पे स्केल आपका पे स्केल थर्ड रहने वाला है 20,200 से लेकर के 64,000। इसके लिए जो आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। कैंडिडेट शैल हैव इनका जो वो होना चाहिए टाइपिंग टेस्ट 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और ये जो सारी चीजें आपकी इसके अराउंड में ही होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो है आरएनपी रूल 2015 के अनुसार ये चीजें होगी। अगर हम बात करें आगे ड्राइवर की, ठीक है, इसके लिए टोटल नंबर जो पोस्ट है वो 6 नंबर ऑफ पोस्ट है, ठीक है। पे स्केल 21,300 से लेकर के 67,800 तक इसमें रहने आपको चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको जो चीजें है वो क्लियर हो रही होगी। तो अगला जो इसमें आता है वो आता है सफाई कर्मचारी के लिए भी, इसमें कुछ पोस्ट आपकी आई है तो टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो 4 है। पे स्केल की अगर आप बात कर रहे हैं तो इसमें 18,000 से लेकर के 56,900 तक का जो पे स्केल है वो रहने वाला है और इसमें 10th होनी चाहिए और इंटरव्यू एज पर द शेड्यूल ऑफ द आरएनपी रूल, जो इंटरव्यू होगा उसके हिसाब से ही आपका इसमें चीजें। प्रेफरेंस शैल बी गिवन द पर्सन हैव एक्सपीरियंस डूइंग द इस काम का, अगर एक्सपीरियंस है तो जरूर ही उसको प्रेफरेंस यहाँ पे दी जाएगी। तो ये इसमें वैकेंसी रिलेटेड थे। और लास्ट में हमारे पास जो वैकेंसी है वो है माली की, ठीक है, और ये भी रेगुलर पोस्ट है आपकी। तो इसमें आप समझिए कि टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो कितनी है, 5 पोस्ट है और पे स्केल इसका 18,000 से लेकर 56,900 तक रहने वाला है। इसमें इन्होंने सिंपली कहा है मेट्रिकुलेशन डिप्लोमा इन गार्डनिंग हॉर्टिकल्चर एंड रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ये जरूरी है, मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस इन गार्डनिंग, इतना एक्सपीरियंस जो है वो जरूरी होना चाहिए अगर आप माली के लिए भी अप्लाई यहाँ पे कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पोस्ट के बारे में आपको काफी हद तक जो चीजें है वो क्लियर हो रही होगी। तो आगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम देखें तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जिसमें पहला पॉइंट ये कहा है कि आपने फॉर्म फिल करने से पहले जो एक बार है अपना जो नोटिफिकेशन है वो अच्छे से गो थ्रू आपने कर लेनी है, पढ़ लेनी है ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। और अपनी एलिजिबिलिटी का भी ध्यान रखना है कि अगर आप कैटेगरी एक्सपीरियंस एज इस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं और वो मेंशन आरएनपी रूल्स में है तो आपके पास ये चीजें, आप नोटिस बाय द अपलोडेड कॉपी एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो आपके पास एज प्रूफ ये सारे जो डॉक्यूमेंट उसके वो मौजूद भी होने चाहिए, ठीक है, कब तक, जब तक आप फॉर्म भर रहे हैं उससे पहले के। और दूसरी देखिए अभी इन्होंने कहा है कि जितनी वैकेंसीज बताई गई है थर्ड पॉइंट में ये घटाई और बढ़ाई जा सकती है हाईकोर्ट के द्वारा अपने आप एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी के द्वारा। और नेक्स्ट इन्होंने ये कहा है कि
जो कैंडिडेट अपॉइंटेड बाय द एनी अबव मेंशन पोस्ट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो पुट द रिक्वायर्ड डिक्लेरेशन ऑफ द क्वालिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर आरएनपी रूल। आरएनपी रूल के अंदर ये जो सारी चीजें है आपकी इसमें होनी चाहिए, और ये इन्होंने बता दिया है कि ये आपका सारा जो है पीडीएफ में आपको अवेलेबल हो जाएगा। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें, देखिए इन्होंने कहा है, अब इन्होंने जो सिक्स पॉइंट है इन्होंने इसमें इन्होंने कहा है कि जो एज ऑफ कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 18 ईयर एंड मोर देन 45 ईयर। 31/8/2023 तक की बात की हुई है, 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, 45 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और साथ में इन्होंने कहा है कि 5 ईयर इलेक्शन अपर एज लिमिट आपकी हो सकती है, जो जो आपके एससी ऑफ एचपी एसटी ऑफ एचपी इनके लिए जो मिल सकती है। इसके लिए भी जरूरी है कि आप जो है अपना सर्टिफिकेट जो है वो बिल्कुल रेडी रखें। और सेवंथ पॉइंट में इन्होंने कहा है कैंडिडेट ओनली इन्फॉर्म, जो इन्फॉर्मेशन है वो कैंडिडेट तक, चाहे एग्जाम कब होने वाला है, वो रजिस्टर्ड हो गए हैं या नहीं, सारी जो तमाम चीजें हैं वो क्या होगा, वो ईमेल और मैसेज के थ्रू ही उनको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो कैंडिडेट को ये एडवाइस किया जाता है कि आप वही ईमेल आईडी और फोन नंबर फिल करें जो आपका वर्किंग हो, ताकि अगर आप तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी हो तो उसमें कोई दिक्कत ना रहे। और इन्होंने कहा गया है कि भाई एप्लीकेशन एक्सेप्टेड ओनली ऑनलाइन मोड, सिर्फ ये ऑनलाइन मोड में आपके जो एप्लीकेशन है वो रिसीव होंगे, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि आपकी साइट रहेगी, इस साइट में ये आपके लास्ट डेट से पहले सबमिट हो जाने चाहिए। और साथ में इन्होंने नाइन्थ पॉइंट में कहा है कि हाई कोर्ट को ये राइट है कि इसमें एडवर्टीजमेंट में किसी प्रकार के चेंजेस जो है रेक्टिफाई करके वो कर सकती है, जैसे अभी भी कहा कि वैकेंसी का घटना बढ़ना और भी तमाम चीजों के जो चेंजेस लगता है एडमिनिस्ट्रेटिव को होने चाहिए तो वो कर सकते हैं। तो आगे अगर हम देखें, कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके है कि आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हो नौकरी जब आप ज्वाइन कर रहे हो उसके लिए, ठीक है। दूसरा आप देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट उतने ज्यादा खास बनते नहीं है जो कि आपके लिए रिप्रेजेंटेशन, तो इसमें यही सीनियर एज। अब देखिए इसमें कहा गया है एज इलेक्शन एज, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका हम ध्यान रखेंगे कि एज एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन आर रिक्वायर्ड टू शैल बी रेकॉर्ड ऑन, ये तब तक आपकी जो चीजें है वो बनी होनी चाहिए, ठीक है, जब तक ये नोटिफिकेशन 31/8/2023 तक की बताई गई है। आपने कहा गया है कि आप एग्जाम होने तक एक बार रेगुलरली हाईकोर्ट ऑफ एचपी की जो ऑफिशियल साइट है वो चेक करते रहे, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अगर आए, नोटिस आए तो आपको क्लियर हो जाए। इन्होंने कहा है कि अगर जो आपका 18 पॉइंट डिसीजन ऑफ द हाईकोर्ट ऑफ रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी टेस्ट सिलेक्शन है विल बी फाइनल, पर्सनल इंक्वायरी रिप्रेजेंटेटिव विल बी नॉट अटेंडेड, मतलब कि जो चीजें होगी वो हाईकोर्ट के अराउंड ही होगी, अगर कोई पर्सनल क्वेरी है तो वो मतलब कि नोटिफिकेशन के अराउंड होगी, पर्सनल क्वेरीज में कोई इसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है। और ये जो चेंज, कोई भी अगर आप सेंटर भरते हो, टाइम वेन्यू, ये कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा, जो एक बार अलॉट हो गया वही आपको अलॉट किया जाएगा। पाकिस्तान नंबर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और इन्होंने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो आपके एग्जाम है वो करवाए जाएंगे, ठीक है। तो ये इसमें कुछ एक कोर पॉइंट थे जो हमने इंस्ट्रक्शन में जो है उनका ध्यान रखना था। तो आगे हम बात करेंगे इसके एग्जाम पैटर्न की, जो एग्जाम पैटर्न है बेसिकली वो किस तरीके का रहने वाला है और क्या रहने वाला है। तो देखिए रिटर्न टेस्ट विल बी कंसिस्टेड टू पार्ट, पार्ट ए एंड पार्ट बी, जो आपका दो पार्ट में है वो रिटर्न का एग्जाम आपका होना है। पहला पार्ट आपका आएगा स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसको हम कहेंगे इट शैल बी इंग्लिश लैंग्वेज कंसिस्टिंग द एमसीक्यू टाइप कैरिंग फॉर द एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ ईच क्वेश्चन विच बी करेक्ट आंसर शैल हैव बी गिवन कैंडिडेट और ओएमआर शीट एंड ब्लैकनिंग। तो सिंपल सी बात ये बोली गई है कि आपका एमसीक्यू टाइप जो पेपर होना है, पहला पेपर स्क्रीनिंग जो टेस्ट होना है, इसके लिए आपको एक ओएमआर शीट दी जाएगी, और जो टाइम रहेगा वो इसका 2 आवर्स का रहेगा, और 100 क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। जिसमें भी जो डिवाइड नंबर्स का जो डिवीजन है वो इस तरीके से होगा, टोटल जो जनरल नॉलेज आपके एग्जाम में आनी है वो 60 नंबर की आनी है। जिसमें अगर हम आगे बात करेंगे उसमें भी मेन पॉइंट क्या रहेगा, इंटरनेशनल न्यूज हो, नेशनल न्यूज हो या फिर एचपी जीके हो, वो 10, 20 और 30 मार्क्स का आपको पूछे जाने वाला है, ठीक है। और चाहे ज्योग्राफी हो, कल्चर हो, स्पोर्ट्स हो, जनरल साइंस हो, हिस्ट्री हो, टूरिज्म हो, करंट अफेयर हो, या फिर आपका करंट इवेंट हो, कंप्यूटर हो, ये सारा का सारा जो पार्ट है ये किसमें है, ये इसी पार्ट में जनरल नॉलेज में ही इंक्लूड आपका रहेगा, ये 60 मार्क्स का रहने वाला है आपका। और देखिए अब बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये 20 मार्क्स का अलग से आपके लिए आने क्वेश्चंस आने हैं इसमें, और रीजनिंग के अलग से 20 मार्क्स जो है वो
आपके अलग से आने हैं। तो टोटल आपका जो पार्ट ए है वो आपका 100 मार्क्स का बनता है। और नेक्स्ट देखिए एमसीक्यू टाइप। अब ये बोला गया है कि ये जो ओएमआर शीट कंटेनिंग आंसर ऑफ एमसीक्यू टाइप ही आपके जो आंसर है इसमें रहने वाले है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट देखिए इसमें कहा गया है, अभी ये पेपर वन की ही बात यहाँ पे चल रही है कि क्वेश्चन विल बी इवैल्यूएटेड थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक, कि इलेक्ट्रॉनिक वे में ही आपके जो है इवैल्यूएट किए जाएंगे और क्वालिफाइंग स्क्रीन टेस्ट के ऊपर बेस के ऊपर, ठीक है। अब कहा गया है कि जो इफ दे फेल रेशो आपका जो 1:6 के एग्जाम जो होगा कैंडिडेट अगेन वैकेंसी एडवर्टाइज, ठीक है, मतलब कि 1:6 के रेशो में जो है आपके कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट बी की, जो आपका बेस आएगा कंप्यूटर इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के ऊपर। रिटन टेस्ट शैल बी टोटल 80 मार्क्स, ठीक है, रिटन टेस्ट आपका जो होगा वो 80 मार्क्स का होगा और ये 2 आवर्स आपको इसमें मिलेंगे। ये डिस्क्रिप्शन आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ क्वेश्चन, ये देखिए ये आपका क्या होंगे, आपको ऐसे इंग्लिश में होगा जो आपको एटलीस्ट 300 वर्ड में लिखना होगा, मार्क्स इसके 15 रहेंगे। और दूसरी ओर जो ऐसे हिंदी में होगा वो आपका 300 वर्ड का रहेगा, 15 मार्क्स इसके रहेंगे। ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी इंग्लिश टू हिंदी वन पैराग्राफ तो 15 मार्क्स का रहेगा, और ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश रहेगा ये भी 15 मार्क्स के रहेंगे, और जो कंप्यूटर है वो आपका लगभग 20 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है। तो ये इसमें कुछ एक और पॉइंट थे। और अगर हम बात कर रहे हैं इसकी, उसके बाद देखिए कैट क्वालिफाइंग द स्क्रीन टेस्ट मेंशन इन द टू और शैल बी कॉल्ड टू द रिटन एग्जामिनेशन एंड टाइपिंग टेस्ट, जो इसके बाद क्वालिफाई हो जाता है तो उसके बाद उसको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिन जिन में भी टाइपिंग की जरूरत है, वैसे सब में ही है जैसे आपने नोटिफिकेशन में आपने देखा। तो टाइपिंग टेस्ट में इन्होंने ये कहा है कि हाई कोर्ट में भी कनेक्ट टाइपिंग ट्रेनेड ऑन द डे अपियर द मेन रिटन एग्जामिनेशन और मे बी नोटिफाई सम अदर, जिस दिन मेंस का एग्जाम हो रहा है हो सकता है कि उस दिन टाइपिंग हो जाए, या हो सकता है कि जो हाई कोर्ट है वो अपने हिसाब से करे। इन्होंने कहा था कैंडिडेट शैल हैव क्वालिफाइड टाइपिंग टेस्ट एट स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर, सेपरेट टेस्ट शैल बी हेल्ड, मतलब कि ये टेस्ट जो अलग से आपका दिया जाएगा। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसमें हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस करा, इंपॉर्टेंट डेट के बारे में डिस्कस करा, इसमें हमने आपके जो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थे इन्फॉर्मेशन थे वो हमने डिस्कस करा। तो मैं उम्मीद कर रहा होगा कि आपको जो वीडियो हो वो पसंद आया होगा, आपको डाउट आपके क्लियर होंगे, ठीक है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ भविष्य में इसी तरह की वीडियो के लिए। थैंक यू।